नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर के जो भी पार्टियों में घमासान जो मची हुई है, उस पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर, महागठबंधन में कब तक सीटों को लेकर के क्लियर हो जाएगा? महागठबंधन में सीटों को लेकर के एक दो दिन में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। महागठबंधन में कोई किचकिच नहीं है, कोई मगजमारी नहीं है। महागठबंधन महामजबूती के साथ सभी जो सहयोगी दल हमारे हैं, वामपंथी पार्टियां भी उसमें जुड़ी हैं, सब लोगों से बातचीत फाइनल हो गया है। एक दो दिनों के अंदर आप लोगों के पास आप लोगों को बुलाकर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। सर, एक तरफ मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी को लेकर के तेजस्वी यादव का परेशानी बढ़ा दिए हैं, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं, तो कैसे इस सब चीज़ को समेट पाएगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी का काम आसान बिहार की 12 करोड़ जनता ने कर दिया है। अपना आशीर्वाद जनता तेजस्वी यादव जी को देगा, ये आपको पूरे बिहार के माहौल को, बिहार की जनता के मूड और मिजाज को देख करके अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मौसम का मिजाज किस ओर है। हवा का रुख देख करके सबको पता चल जाता है। अब कोई हमें परेशानी जिसे आप कह रहे हैं, ये चुनाव के समय हर लोगों की चाहत होती है, इच्छा होती है, हर दल की चाहत होती है जो गठबंधन में रहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा दावा करते हैं। तो दावेदारी करेंगे तब ना जो है उम्मीदवार और उनके साथ जो समर्थक हैं वो उत्साह में रहेंगे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जितने भी सहयोगी हैं जो महागठबंधन के साथ विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, मजबूती के साथ पूरे इंटैक्ट हैं, इधर से उधर होने वाले नहीं हैं। 10 नवंबर के बाद पता चल जाएगा आप लोगों को कि बिहार की जनता का मूड और मिजाज क्या है। उपेंद्र कुशवाहा को मना पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही डिसीजन लेने वाले हैं। देखिए, हम क्यों मनाने जाएं भाई, जो भी लोग आए थे एनडीए से अपमानित होकर के, एनडीए में जिनको अपमान मिला, हम लोगों ने, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सम्मान दिया। अब इस सम्मान को बचाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया और वो सम्मान नहीं बचा पाए, इसमें हमारा दोष नहीं है। अब हमारे नेता को, हमारी पार्टी को कोई अपमानित करे, ये भी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। हम अपना उदारता महानता दिखा रहे हैं और किसी के पास वोट वाट है ये नहीं है, और झूठ का आंख दिखा रहा है और कभी कह रहा है कि तेजस्वी यादव नेतृत्व नहीं करेगा। बिहार की जनता कह रही है तेजस्वी यादव नेतृत्व करेगा। बिहार की जनता कर रही है पुकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। तो जो लोग इधर उधर की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे नाव पर बैठ करके नाव में छेद करने में लगे हुए हैं। इस बार कांग्रेस भी अधिक सीटों की मांग कर रही है, तो ऐसा नहीं लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव क्या इस चीज को जल्दी से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि समय बहुत कम है? देखिए, मांग करना गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ आरजेडी का नेचुरल अलायंस है। पहले भी जब हम लोग सरकार में थे तो आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां ये शामिल थी ना। तो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, सबके लिए महागठबंधन 243 पर लड़ेगा। सीट मायने नहीं रखता है, हमारे लिए जीत मायने रखता है कि कौन जीतने वाला घोड़ा मैदान में उतरेगा, उसका नामांतरण किया गया है। तक महागठबंधन में सब कुछ सही देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी कोई भी महागठबंधन में जो दल है किसी का चेहरा एक साथ नहीं आ रहा है, तो ये कब लोगों को अभी तक आपको गलत क्या देखने के लिए मिला? नहीं, हर बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सभी महागठबंधन के जो भी दल थे उनकी तस्वीर सामने आती थी। अब विधानसभा नजदीक चुनाव आ गया, अब समय बहुत कम है, लेकिन अभी तक एक भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई, ये कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी के साथ हम बार बार कह रहे हैं, कान खोल करके लोग सुन लें, बिहार की 12 करोड़ जनता खड़ी है मिसाइल लेकर पीठ पर। कोई जो है तेजस्वी यादव जी को आंख अगर दिखाएगा, हमारे विरोधी परेशान है इसी से ना, कि जनता का जो सैलाब है वो
किस तरह से तेजस्वी यादव जी के साथ कैसे चला गया। तो जो लोग सहयोगी हैं सब लोग एक साथ हाथ और गले नहीं मिलाए, दिल मिला हुआ है, और जिनका दिल नहीं मिला हुआ है वो मौसम वैज्ञानिक बन के इधर उधर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप हमारी ओर देख रहे हैं, अब देखिए एनडीए का क्या हाल है, खंड खंड हो गया, ये निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस हो गया एनडीए। अकाली दल ने छोड़ दिया, शिवसेना ने पहले छोड़ दिया था, यहाँ लोजपा छोड़ने जा रही है। अरे आता पता नहीं रहेगा, आंधी है तेजस्वी यादव के नाम पर। पॉइंट पे अब आते हैं, चिराग पासवान को लेकर के आपका ओपिनियन क्या है? भाई देखिए चिराग पासवान जी का तो चिरागे सब लोग मिल करके बुझाने में लगा हुआ है। अब उनके चिराग को बचाना है तो जिस धारा की लड़ाई तेजस्वी यादव जी ने ठाना है उस धारा में जो आएगा सबका नैया पार होगा। अब सोचना उनको है, हम तो भाई जनता के साथ तेजस्वी यादव खड़े हैं और बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है, इसीलिए ये सोचना उनका काम है। उन्होंने तो घूम करके जो देखा जनता का मूड मिजाज, इसीलिए ना वो नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार को आईना दिखा रहे थे। अब उनको सोचना है कि डूबती नैया पर सवार होंगे या बैतरनी पार करेंगे, हमें उसकी चिंता नहीं है। हमने तो जिस मुद्दे को तेजस्वी यादव जी ने छेड़ा है उस मुद्दे पर बिहार की जनता साथ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, मेरी इनसे क्वेश्चन यही था कि कब महागठबंधन में ये चेहरा देखने को साफ मिलेगा, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। कोई भी पार्टी के दल जो है तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर साझा नहीं कर रहे हैं। कि मृत्युंजय तिवारी का साफ तौर से कहना है कि बहुत जल्द ही ये चीज क्लियर जनता के सामने आएगी, लेकिन देखना यही होगा। महागठबंधन में अभी कुछ ऐसा सही नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अलग पट्टी पे चल रहे हैं, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम को लेकर के अलग परेशानी खड़ा की हुए तेजस्वी यादव के। अब एनडीए की बात हो रही है, चिराग पासवान अलग अटकलें डाले हुए हैं, कहीं पे कुछ साफ क्लियर नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते सब कुछ पटरी पे आते देखने को मिलता है क्या, ये देखने वाली बात रहेगी। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल पाए कि बिहार के राजनीति में क्या अभी आए दिन हो रहा है। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखिएगा। कहा है कि आपका एक सहयोग हम लोग पूरी टीम के लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।